Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर smart digital classes, computer lab, science lab, rich library, indoor and outdoor game, dance and music, art and craft, 24/7 backup security के साथ transport facility भी उपलब्ध है. Educated and experienced teachers, जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल. क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है. क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है. क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो. डायल करें 9453724198 या 9450118255. नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है. मैं हूँ सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें. आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर. आजमगढ़ में 71 संदिग्ध कोरोना मरीजों के सैंपल गुरुवार को जांच के लिए भेजे गए. जनपद में अब तक 459 कोरोना संदिग्धों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 225 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 6 की पॉजिटिव, जबकि 228 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है. जिलाधिकारी NP सिंह ने बताया कि 3 उन लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं जो 21 मार्च को शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से चलकर वाराणसी पहुंचे थे. जिस बोगी में यह लोग यात्रा कर रहे थे, उसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था. 3 में से 2 बरता थाना क्षेत्र व 1 शहर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं. 388 लोगों को सैंपलिंग अब तक हुई है, जिसमें से लगभग 225 सैंपलिंग मुबारकपुर चकसिटी इलाके का है. रिपोर्ट अब तक 178 की रिसीव हुई है, जिसमें से 172 नेगेटिव है और 6 हुई जो पॉजिटिव पहले से है, वो 6 पॉजिटिव है. डेली हमने ये प्रोसेस बनाया है कि मिनिमम 50 सैंपल जनपद से जरूर जाए. कुछ सैंपल जो डोर टू डोर सर्वे हमने स्पेशल अटेंशन जोन से कराया है, वहां से भी हो, जिनको श्वास की प्रॉब्लम है या जो बाहर से आए हुए लोग, उनके रैंडम आधार पर. और मुबारकपुर इलाके के डोर टू डोर में 100% जिनको सर्दी बुखार जुकाम था, उनका 100% कराया गया. जो 94 लोग बाहर से, विदेश से या प्रदेश के अन्य देश के अन्य हिस्सों से आए थे, उनमें से भी 80% का हो गया. जो शेष बचे हैं 10-20-25 लोग, उनको भी हम कल उनकी भी सैंपलिंग करा देंगे. आज सरायमीर में सैंपलिंग हो रही है, जो डोर टू डोर का नतीजा था. इसलिए कोई अगर ये निवेदन करे कि मुझे महाराष्ट्र से यहाँ आने की इजाजत दिला दिया जाए, या गुजरात से यहाँ आने की इजाजत दिला दिया जाए, या मुझे आजमगढ़ से बिहार जाने या प्रदेश के दूसरे हिस्से में जाने की इजाजत दे दिया जाए, यह भारत सरकार के नोटिफिकेशन के तहत संभव नहीं है. लेकिन अगर जहां पर वो रह रहा है, वहां पर उसे इलाज की, खाद्यान्न की कोई समस्या है, तो जिला प्रशासन आजमगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा नामित नोडल अधिकारी के माध्यम से उस राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से या उस जिले के कलेक्टर से जहां पर कि वो व्यक्ति रह रहा है. 15 अप्रैल से गेहूं क्रय केंद्र सक्रिय हुए, लेकिन आधे अधूरे इंतजाम के चलते वे निर्देशों पर खरे नहीं उतरे. खुद जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने जब इन केंद्रों का निरीक्षण किया तो पाया कि कहीं बोरे नहीं हैं, तो कहीं बैनर नहीं और कहीं पेयजल नहीं. मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी कमियां पाई गईं, जिसे उन्होंने गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर सारे इंतजामों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए. 16 अप्रैल से व्यवस्था पटरी पर लौटती नजर आई. PCF के जो सेंटर थे, उनमें मैं रैंडम कल औचक निरीक्षण किया था. कल पहला दिन था. उन जगहों पर
बोरे नहीं थे, प्रभारी थे, लेकिन बिना बोरे के और बिना किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था के और बिना मजदूरों के आइडेंटिफाइड उपचार के, मतलब उनका आइडेंटिफिकेशन और उनका स्वास्थ्य परीक्षण, मैंने निर्देश दिया था कि जो भी क्रय केंद्र पर मजदूर होगा उसका भी स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उसके पास भी पर्सनल सिक्योरिटी इक्विपमेंट होगा। ये कमी थी वहां पर, तो मैंने उस पर एआर कोऑपरेटिव को, रीजनल मैनेजर ईसीएफ को चेतावनी दिया है, सोकाज नोटिस दिया है और उन्होंने बुला करके उन्हें कठोर चेतावनी दिया था, लिखित चेतावनी भी दिया और आज से उन्होंने आश्वस्त किया है कि सारे इंतजाम हो जाएंगे, आज मैं पुनः क्रॉस चेक करूंगा। गुरुवार को गेहूं क्रय केंद्रों की व्यवस्थाओं में अपेक्षित सुधार दिखाई दिया। सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग के अनुरूप क्रय कार्य शुरू किया गया। किसान भी सुरक्षा व सुविधा से संतुष्ट दिखे। गेहूं तौलाने क्या कोई दिक्कत की उसकी समस्या कुछ तौलाने में? नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। हाँ, सब हो जा रहा है। सहायक विकास अधिकारी सहकारिता बिलरियागंज ने बताया कि मुकम्मल व्यवस्था के बीच अब किसानों से नियमानुरूप गेहूं क्रय हो रहा है। मानक 19.25 रुपया जो रेट है वो है, वो बोर्ड पे लगा हुआ है आपके। और मेन जो है वैश्विक महामारी के रूप में जो कोरोना वायरस है COVID-19, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है आदेश आया है, और अपने बचाव के लिए, किसानों के बचाव के लिए सारी व्यवस्था हर हम अपने केंद्रों पे और पूरे आजमगढ़ के केंद्रों पे आदेश के तहत हुआ है, जिसमें सैनिटाइजर है, साबुन है, हाथ धोने के लिए पानी है। गेहूं में पहले तो ये था कि कुछ एरिया डिसाइड हो जाती थी कि इस समिति के अंदर इतनी एरिया है उतना ही खरीदेंगे, लेकिन फिर शासनादेश आया कि नहीं, आप पूरे ज़िले के कहीं से भी अगर किसान लेके आते हैं गेहूं तो उनको हम खरीद सकते हैं, ये आदेश आ गया। तो अब किसानों की समस्या को देखते हुए कि भाई कहीं दिक्कत हो रही है तो जहाँ अगर नेट चल रहा है सही से वो लेके आएंगे, हम खरीद लेंगे गेहूं, उसमें कोई समस्या ना, किसानों किसी तरीके की समस्या ना होने पाए उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और जिलाधिकारी महोदय जबकि पूरे जो है भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्रों का और खुद जांच कर रहे हैं, फिर सारे अधिकारी लगे हुए हैं इस केंद्रों की जांच के लिए कि सही से किसानों को कहीं कोई समस्या न होने पाए, समय से उनके खाते में पैसा जाए और समय से उनके गेहूं की तौल हो जाए। सारी व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है, टोकन जैसे लेके आएंगे, पंजीकरण कराएंगे जनसेवा केंद्रों से, इसके बाद टोकन होगा, टोकन के बाद जो है फिर लेके गेहूं आएंगे, उनका खरीद होगा, खरीद के बाद उनके ऑनलाइन पैसा जाएगा उनके खाते में, पूरी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो गई। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले में 10,282 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके राशन कार्ड बनवाए जाने हैं, जिनमें से 9,658 लोगों के फॉर्म भरकर 8,000 लोगों के नए कार्ड बन चुके हैं। बताया कि इन्हें इस महीने 5 किलो प्रति यूनिट चावल मिलेगा और 1 मई से गेहूं का भी वितरण किया जाएगा। 10,282 लोग चिन्हित थे ग्रामीण शहर दोनों मिलाकर के, जिनके के राशन कार्ड नए हमें बनवाने थे, उसमें से 9,658 के फॉर्म भर गए हैं और लगभग 8,000 के नए राशन कार्ड बन गए। इनको जिनका 14 अप्रैल तक बन गया था, लगभग 8,000 लोगों को, उनको 5 किलो चावल पर यूनिट मिलेगा। रूटीन वाला जो था अनाज वो 1 मई से मिले, ये व्यवस्था है। लेकिन जिनके पास भी राशन कार्ड अभी भी हाथ में नहीं है या जिनके पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है, मैंने आज तहसीलदारों से कहा है कि इसका मतलब है कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, अकाउंट नहीं है, तो वह किसी भी योजना का लाभ नहीं पाया होगा, ना तो पेंशनर होगा, ना तो जनधन का होगा, ना तो मनरेगा का जॉब कार्ड होल्डर से उसको पैसा मनरेगा का आया होगा मजदूरी, और ना ही वो श्रम का पैसा आया होगा, जब अकाउंट ही नहीं तो पैसा कहां से। ऐसे व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से राशन की खाने की पूरी व्यवस्था की जाए जब तक लॉकडाउन या जब तक कि उनका राशन कार्ड या अकाउंट न खुले, स्कीम से न जुड़े। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीविकोपार्जन के लिए दूसरे प्रदेशों में रहते हैं,
बाहर रहने वाले लोगों को जनपद में आने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर उन्हें खाद्यान्न या अन्य कोई परेशानी है तो उनके परिजन एडीएम वित्त एवं राजस्व से मिलकर समस्या का समाधान करा सकते हैं। आजमगढ़ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रदेश के अन्य हिस्सों में रोजगार के लिए गए हुए हैं और लॉकडाउन के कारण लौट नहीं पा रहे हैं, या उनको कोई वहां पर खान पान की खाद्यान्न की समस्या है। उस विषय में राज्य सरकार ने एक एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को वहां की सरकारों से समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी बनाया है। जनपद स्तर पर भी चूंकि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं उनका कोई न कोई रिलेटिव इस जनपद में भी रह रहा हो, तो वो लोग किसको कांटेक्ट करें अगर प्रदेश के बाहर की कोई समस्या है, उसके लिए हमने एडीएम फाइनेंस को नोडल अधिकारी नामित किया है। अगर जनपद आजमगढ़ के किसी भी परिवार के लोगों का दूसरे प्रांतों में रह रहे लोगों की कोई समस्या हो तो वो अपनी बात एडीएम फाइनेंस से रख सकते हैं, कंट्रोल रूम में नोट करा सकते हैं और एडीएम फाइनेंस से विशेष परिस्थितियों में मिल के बात कर सकते हैं। लेकिन एक तथ्य उसमें स्पष्ट करना चाहूंगा विनम्रतापूर्वक कि किसी को दूसरे प्रांत से यहां आने के लिए लॉकडाउन में भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसलिए कोई अगर ये निवेदन करे कि मुझे महाराष्ट्र से यहां आने की इजाजत दिला दिया जाए या गुजरात से यहां आने की इजाजत दिला दिया जाए या मुझे आजमगढ़ से बिहार जाने या प्रदेश के दूसरे हिस्से में जाने की इजाजत दे दिया जाए, यह भारत सरकार के नोटिफिकेशन के तहत संभव नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते देश में घोषित लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए शासन प्रशासन निरंतर प्रयत्नशील है। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए अब न्यायिक अधिकारी भी आगे आए हैं। गुरुवार को जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरण के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश श्री प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि कोरोना की वजह से देश भर में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में बहुत से लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा, ऐसे में जनपद के न्यायिक अधिकारीगण ने सामाजिक जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपने निजी संसाधनों से सोशल डिस्टेंसिंग व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए सामुदायिक रसोई की शुरुआत की है। आज से यह सामुदायिक रसोई 3 मई तक चलेगी। प्रतिदिन 200 जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कि जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, जिनको भोजन पानी नहीं मिल रहा है, उनके लिए इस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करके और उनके बीच विस्तृत कराया जाए। तो कल से इनको सब तैयार करा के हम प्रशासनिक अधिकारी या जो अपने पुलिस के हैं उन लोगों को सुपुर्द कर देंगे ताकि वो अपने स्तर से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिलहाल आज जो लोग हैं उनको हम सब वितरित कराए दे रहे हैं। ये है कि चाहे कोई यहाँ भोजन ले, चाहे कहीं किसी से पुलिस या प्रशासन के जरिए वितरित हों, लेकिन उनको मिल जाए, बस जरूरतमंदों तक ये पहुँच जाए। तो ऐसे सेवा कार्य आप लोग अपने हाँ अपने स्तर से ही कर रहे हैं। ये अपना हम सब न्यायिक अधिकारी आपस में कर रहे हैं, ये बहुत पुनीत कार्य है और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। कोरोना महामारी के अंतर्गत जनपद के चिन्हित किए गए विशेष सावधानी क्षेत्र के अंतर्गत जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को मोहल्ला दलसिंगा तथा बदरका में स्वास्थ्य कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व स्थानीय कोरोना वॉरियर्स द्वारा किए जा रहे सघन डोर टू डोर सर्वे कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील किया कि सर्वे टीम को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए, कुछ छिपाया न जाए, जिससे कि सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से शुद्ध डाटाबेस तैयार किया जा सके और कोरोना महामारी पर सफलता हासिल की जा सके। ना तो पेंशनर होगा, ना तो जनधन का होगा, ना तो मनरेगा का जॉब कार्ड होल्डर से उसको पैसा मनरेगा का आया होगा मजदूरी, और
ना ही वो श्रम का पैसा आया होगा, जब अकाउंट ही नहीं तो पैसा कहां से। ऐसे व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से राशन की खाने की पूरी व्यवस्था की जाए जब तक लॉकडाउन है, या जब तक कि उनका राशन कार्ड या अकाउंट न खुले, स्कीम से न जुड़े। जनपद आजमगढ़ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रदेश के अन्य हिस्सों में रोजगार के लिए गए हुए हैं और लॉकडाउन के कारण लौट नहीं पा रहे हैं, या उनको कोई वहां पर खान पान की खाद्यान्न की समस्या है। उस विषय में राज्य सरकार ने एक एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को वहां की सरकारों से समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी बनाए हैं। जनपद स्तर पर भी चूंकि जो भी लोग बाहर रह रहे हैं उनका कोई न कोई रिलेटिव इस जनपद में भी रह रहा है। लॉकडाउन के दौरान घर तक जरूरत का सामान पहुंचने के साथ साथ अब पुष्टाहार भी पहुंचा करेगा। जी हाँ, जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले की आंगनबाड़ियाँ अपने अपने क्षेत्रांतर्गत हर गर्भवती धात्री महिलाओं, कुपोषित अति कुपोषित बच्चों को घर घर जाकर पुष्टाहार का वितरण करेंगी। पुष्टाहार वितरण के दौरान खुद संक्रमण से बचने के समुचित उपाय करने के साथ साथ वे लोगों को भी संक्रमण से बचने के प्रति जागरूक बनाएंगी। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि 12 ब्लॉकों में 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पुष्टाहार का वितरण होगा, शेष 10 ब्लॉकों में उसके बाद। जनपदवासियों को देना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी के माध्यम से जो पुष्टाहार वितरित होते हैं उनके वितरण का प्रोसेस 20, 21, 22, 23 को 12 ब्लॉकों में होगा और इसके बाद जो शेष 10 ब्लॉक हैं उसके बाद उनका होगा। सामग्री आना शुरू हो गई है पुष्टाहार की। शुभ सूचना है इस आपदा के क्षण में कि जो अति कुपोषित कुपोषित बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए पुष्टाहार उपलब्ध हो, डोर टू डोर उपलब्ध होगा, मैंने निर्देश दिया है। और डोर टू डोर के सत्यापन करने के लिए भी हमने विलेज डिजास्टर मैनेजर्स जो नोडल अधिकारी बनाए थे और जो अधिकारियों की एक सुपरवाइजरी फोर्स है उसको लगा दिया। जिलाधिकारी श्री सिंह ने बताया कि प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए पुष्टाहार महत्वपूर्ण है। गुरुवार को जिलाधिकारी जब स्वयं नगर में डोर टू डोर सर्वे की स्थिति जांचने निकले तो लगे हाथ लोगों को पुष्टाहार के वितरण की भी सूचना देते रहे। ये लड़के तुम्हारे जो है उसमें आंगनबाड़ी में जाते हैं, आंगनबाड़ी का पुष्टाहार भी मिलना शुरू हो जाएगा 20 तारीख। 20 तारीख से आंगनबाड़ी कौन है 20 तारीख से